गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का शीर्षक है बस मैं सोचा करता। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ नौ, मैं बस सोचा करता। बादल उड़ते नील गगन में पंख कहाँ से लाते, यहाँ वहाँ इठलाते फिरते पर्वत को छू जाते। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि बादल उड़ते नील गगन में, बादल उड़ते हैं नील गगन में, ये पंख कहाँ से लाते हैं, इधर उधर ये इठलाते हैं। पंछी तो बस तैरा करते, ऊपर जाते नीचे आते, हम तो उसको देखा करते कैसी कलाबाजियां खाते। पंछी बस उड़ा करते, ये ऊपर जाते नीचे आते, हम तो बस इसे देखते ही रह जाते, ये कैसे अपनी कलाबाजी दिखाते हैं। वीर जवान तो कब सोते हैं, देश की रक्षा करते, गोली सीने पर खा जाते सीमा पर जो रहते। वीर जवान कब सोते हैं हम लोगों को मालूम नहीं होता है, देश की सेवा एवं रक्षा करते ये अपने सीने पर गोली खाते हैं, और सीमा पर ये हमारी रक्षा करते हैं। देखिए किस तरह से ये वीर जवान हमारी देश की रक्षा करते हैं और अपने सीने पर गोली खाकर भी हमारी देश की रक्षा करते हैं। जिसको जैसा काम मिला है वैसे ही वे करता, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं बस या सोचा करता। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं जिसको जैसा काम मिला है वह वैसा ही काम करता है। जैसे एक किसान अपने खेतों में काम करता है और एक डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है, वैसे ही वीर जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। जिसको जैसा काम मिला है वे वैसे ही करते हैं। कवि कहते हैं कि बस मैं तो सोचते ही रह जाता हूँ। देखिए एक डॉक्टर रोगियों को इलाज करते हैं और किसान जो है कि अपने खेतों में काम करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह बताना चाहते हैं कि सबकी अपनी अपनी काम है और लोग सब अपनी अपनी काम ही करते हैं। जैसे बादलों का काम है वह आकाश में उड़ते रहते हैं, और पंछियों का काम भी है उड़ते रहना, उसी तरह हमारे भी सबके अपने अपने काम हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस कविता को पूर्ण रूप से समझ गए हैं। आप इन्हें पुनः पढ़िए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू।